नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं, ऐसे में जो आप इंस्टाग्राम के ऊपर रेगुलरली पोस्ट करते हो एंड ऐसे में अगर आप चाहते हो अपनी पोस्ट के ऊपर जो है मैसेज बटन को ऐड करना, तो आप कैसे कर सकते हो इस वीडियो बताने वाला हूं। वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मैसेज बटन के बारे में। जिसको नहीं पता है फीचर क्या है, तो आप इस फोटो में क्लियरली देख सकते हो कि ये जो आपको पोस्ट दिखेगी उसके नीचे आपको आएगा सेंड अ मैसेज। जैसे कोई भी पर्सन सेंड अ मैसेज पे क्लिक करेगा वो आपको डायरेक्टली जो है डीएम कर पाएगा। अब ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है जो इंस्टाग्राम के ऊपर बिजनेस करें या फिर जिनका बिजनेस अकाउंट है, क्रिएटर अकाउंट है, तो वहां पे जो अगर आप चाहते हो ऑडियंस से ज्यादा इंटरेक्ट करना या फिर आपकी ऑडियंस आपके ज्यादा इंटरेक्ट कर पाए, तो मैसेज करने के लिए पहले क्या करना पड़ता था, आपकी प्रोफाइल पे जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके मैसेज के ऊपर क्लिक करके मैसेज करना पड़ता था। बट आप डायरेक्टली जो भी पर्सन है, जो भी व्यूअर है, उस पोस्ट को देख रहा है, फॉलोअर है, वो डायरेक्टली जो है सपोज इसके ऊपर क्लिक करके आपको डीएम या फिर मैसेज कर सकता है। तो मैं बात करता हूं कैसे आपको इस फीचर को इनेबल करना है एंड अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर ऐड करना है। सो गाइस, मैं आ चुका हूं इंस्टाग्राम के ऊपर। अगर आप लोग मेरे को फॉलो करना चाहते हो, मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। अभी मैं आप सभी को बताने वाला हूं किस तरीके से जो आपको पोस्ट के ऊपर जो है मैसेज बटन को ऐड करना है। कुछ इस तरीके से आप देख ही पा रहे होंगे, ये जो है एक रील्स है एंड यहाँ पे आप रील्स के ऊपर भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है रफ्तार सर को मैसेज कर पाऊंगा जो भी मैं करना चाहता हूँ। तो कैसे आप जो है इसको अपनी पोस्ट पर भी ऐड कर सकते हो या फिर अपनी फोटो पर ऐड कर सकते हो, वो मैं आप सभी को बताने वाला। सबसे पहले एक चीज आपको मेक श्योर रखनी है कि आपका अकाउंट जो है यहाँ पे प्राइवेट या फिर जो है पब्लिक अकाउंट नहीं होना चाहिए। आपका जो है एक प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। जैसे आप देख ही पा रहे होंगे कि ये जो है मेरा एक क्रिएटर अकाउंट है। अगर आपका क्रिएटर या बिजनेस अकाउंट है तभी ये जो है फीचर काम करेगा। अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो ये जो है काम नहीं करेगा। फिलहाल यहाँ से मैं बैक चले जाता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पे मैं जाता हूँ प्लस के आइकन पे, ऐसे मैं जो है एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो है इस तरीके से पोस्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप आपको जो है कैप्शन ऐड कर देने हैं। जैसे मैं यहाँ पे सैंपल ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपको हैशटैग टैग जो भी डालने वो सब आप कर सकते हैं। एंड नीचे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा सेकंड नंबर पे ऐड अ मैसेज बटन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से आपके अकाउंट पे जो है मैसेज आना चाहिए। अगर आप इसको फेसबुक पे जो है अपलोड करेंगे फेसबुक पे भी, तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं जो है इसको सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करूंगा, तो यहाँ पे मैं जो है इसको डन कर देता हूँ। एंड यहाँ से मैं इसको शेयर करने वाला हूँ। जैसे ही मैं इसको शेयर करूंगा, ये जो है डन हो चुकी है। एंड नीचे आप देख पा रहे होंगे कि मेरे को सेंड मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। फिलहाल मैं अकाउंट स्विच करता हूँ, ये दिखाई देगा, तो आप देख पा रहे होंगे सेंड अ मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। जैसे इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो है हाय मैं सेंड करता हूँ, तो ये जो है हाय आ गया एंड मेरे दूसरे अकाउंट पे मेरे को रिसीव हो चुका है। तो इस तरीके से जो है फीचर काम करता है। अगर आप चाहते हो इसको एडिट करना, रिमूव करना, तो वो जो आप नहीं कर सकते हो, ये चीज आपको ध्यान देनी। इस तरीके से जो आप मैसेज बटन को अपने पोस्ट के ऊपर ऐड कर सकते हैं। होप दोस्तों आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे जो है इंस्टाग्राम के ऊपर जो है आपको मैसेज बटन को ऐड करना है। एंड इतना ना वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक दोस्तों करना, शेयर दोस्तों करना, सदा चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ऐसी वीडियो से आप चैनल पर आता है। बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।